जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 21। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरम सुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हम सभी का विभूति योग के शिक्षा देते हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन हम अदिति के पुत्रों में विष्णु ही, हम संसार का प्रकाश दे वाले किरणों में सूर्य ही, हम ही सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु ही, अर्जुन हम ही सितारों में चंद्रमा ही। जैसा श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि अदिति के 12 पुत्र हैं, धात, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अमशु, भग, विवसवंत, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। अदिति के इन सभी 12 पुत्रों में से श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे विष्णु हैं और विष्णु सर्वव्यापी हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि वे अपने उच्च मात्रा के तेज सूर्य में रखे हैं जो उनकी दुनिया का प्रकाशित करत है, इसलिए वे सूर्य हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि कुल मिलाए के 49 मरुत हैं, उनमें से 7 हैं आवाह, प्रवाह, निवह, पराह, उद्दह, संवह, परिवाह, जिनमें से परिवाह का मरीचि कहा जाता है और श्री कृष्ण परमात्मा का भी मरीचि कहा जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि वे चंद्रमा भी हैं जो सभी तारों के स्वामी हैं। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा अपनी विभूति के बारे में बतावत हैं, अर्थात सब में वही आत्मा है, ऐसा कह के और कुछ में आपन तत्व ऊंचा रख के वे अपने का उन मुख्य महत्वपूर्ण सत्ताओं के माध्यम से अधिक प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आओ हम समझी कि श्री कृष्ण परमात्मा महत्वपूर्ण चीज़ों का संबोधित करते हैं। जैसे हम ही जब भी और जहाँ भी हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें देखी या सुनी तो हमका तुरंत स्मरण रखे की चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा के तेज बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे प्रस्तुत है। उनमें श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण कहके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करिए। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार
हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आदित्यानाम अहम विष्णुः ज्योतिषाम रविरम सुमान मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। ओम आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप
और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।